जेल में बंद सत्येंद्र जैन की मुश्किलें और बढ़ी। केंद्र ने दी महाठग सुकेश सेवगाही केस में सीबीआई जांच को मंजूरी। महाठग सुकेश चंद्रशेखर से कथित तौर पर 10 करोड़ रुपए की उगाही के मामले में गृह मंत्रालय ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ सीबीआई जांच की मंजूरी दी है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने फरवरी के महीने में इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश गृह मंत्रालय से की थी। सुकेश चंद्रशेखर ने जैन पर आरोप लगाया कि बतौर प्रोटेक्शन मनी तिहाड़ जेल में रहते हुए उसे 10 करोड़ रुपए की उगाही की गई। सीबीआई जांच को मंजूरी देते हुए उपराज्यपाल ने मामले में जरूरी कार्यवाही के लिए गृह मंत्रालय के पास भेज दिया था। उपराज्यपाल ने 9 फरवरी को तिहाड़ जेल के पूर्व डीजी संदीप गोयल, तिहाड़ जेल के तत्कालीन अधीक्षक राजकुमार के खिलाफ भी सीबीआई जांच की मंजूरी थी। दरअसल करोड़ों रुपए की ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखा था, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि जेल में सत्येंद्र जैन की अपनी सरकार चलती है। इसके साथ ही सीबीआई ने भी दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन और पूर्व जिला अधीक्षक राजकुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले के तहत जांच करने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल से मंजूरी मांगी। दिल्ली सरकार के 2 पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन लगभग 1 साल से तिहाड़ में हैं। तत्कालीन जिला अधीक्षक राजकुमार पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली सरकार में मंत्री रहे सत्येंद्र जैन के कहने पर ठग सुकेश चंद्रशेखर से 10 करोड़ रुपए की उगाही की थी। ऐसा कहा जा रहा है कि राजकुमार तिहाड़ जेल से सत्येंद्र जैन और संदीप गोयल द्वारा चलाए जा रहे जबरन वसूली सिंडिकेट का हिस्सा थे। एलजीपी के सक्सेना ने दिल्ली के पूर्व मंत्री और आप नेता की मदद करने के लिए राजकुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण पीओसी अधिनियम 1988 की धारा 17A के तहत सीबीआई जांच को मंजूरी दी थी। राजकुमार तब जेल नंबर 4 के जेल अधीक्षक थे, जब सुकेश को जेल लाया गया था। राजकुमार पर आरोप है कि उनकी सह पर जेल से उगाही का काम चल रहा था। उनकी मदद से सुकेश चंद्रशेखर से इस पैसे का लेन देन हुआ, जो प्रोटेक्शन मनी के तौर पर लिया गया था ताकि वह जेल में आराम से रह सके। सीबीआई का आरोप है कि सत्येंद्र जैन ने कई लोगों के जरिए सुकेश से साल 2018 और 21 के बीच में कई किस्तों पर 10 करोड़ रुपए की प्रोटेक्शन मनी ली ताकि वह दिल्ली की अलग अलग जेलों जैसे तिहाड़, रोहिणी और मंडोली में आराम से रह सके।